हमेशा इन्वेस्टमेंट तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करनी चाहिए। सबसे पहले डेवलपर कौन है, उसके बाद उसकी लोकेशन क्या है, और उसके बाद उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे क्या है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बहरिया ऑर्चर्ड फेज टू एक्सटेंशन। तो इसमें कैटेगरीज की बात करें तो इसमें 5 मरला और 8 मरला के 2 रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑफर किए गए हैं। अगर इन प्लॉट्स की परचेजिंग की बात करें तो इसमें इंस्टॉलमेंट पर भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं और इसमें कैश पे भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। Assalamualaikum viewers, this is Mohammed Ahmed from Landholders. जैसा कि आप सब जानते हैं, Landholders के प्लेटफॉर्म से प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुख्तलिफ अपडेट्स मिलती रहती हैं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 एक्सटेंशन, जो कि फेज़ 5 के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैं आपको उसकी लाइव लोकेशन पर लेकर आया हूँ। अगर आप इसके सराउंडिंग में देखें तो इसके राइट साइड पर अड्डा प्लॉट है और लेफ्ट साइड पर सुंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट है। तो इसमें कैटेगरीज की बात करें तो इसमें 5 मरला और 8 मरला के 2 रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑफर किए गए हैं। अगर इनकी प्राइसेस की बात करें तो ये 5 मरला 33 लाख में लॉन्च हुआ था, जिसमें 11 लाख डाउन पेमेंट थी और 5.5 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट थी, जिसमें से 1 पेड है और 3 ड्यू हैं। और अगर 8 मरला की प्राइसेस की बात करें तो 40 लाख में वो लॉन्च हुआ था और 20 लाख उसकी डाउन पेमेंट थी, बाकी उसकी 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स थी। अगर इन प्लॉट्स की परचेजिंग की बात करें तो इसमें इंस्टॉलमेंट्स पर भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं और इसमें कैश पे भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर कैश के प्लॉट्स की बात करें तो वो 5 मरला 40-45 लाख के दरमियान अवेलेबल है, और अगर 8 मरला की बात करें तो वो 50 ± में अवेलेबल है। व्यूअर्स, आपके नॉलेज के लिए मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि हमेशा इन्वेस्टमेंट तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करनी चाहिए। सबसे पहले डेवलपर कौन है, उसके बाद उसकी लोकेशन क्या है, और उसके बाद उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड एक बहुत ही नामी गिरामी ब्रांड है रियल इस्टेट के सेक्टर में, जिसका डेवलपर बहरिया टाउन खुद ही है। और अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेन जाती उमरा रोड पर वाक़ है, इसके राइट साइड पर जाती उमरा पैलेस है और इसके बिल्कुल फ्रंट पे बहरिया टाउन का टीपू सुल्तान ब्लॉक बिल्कुल करीब में वाक़ है। ये फ्यूचर में बहरिया ऑर्चर्ड को कनेक्ट करेगा। और इसके रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड में 5 मरले की प्राइसेस मैक्सिमम 70 लाख तक जा चुकी हैं, और अगर 10 मरला की बात करें तो मोर देन 1 करोड़ भी प्लॉट मिलता है। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 एक्सटेंशन में प्लॉट की सेल परचेज या किसी भी और इंक्वायरी के लिए ऑन स्क्रीन दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और ओवरसीज क्लाइंट मुझे व्हाट्सएप और ईमो पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। This is Mohammed Ahmed from Landholders. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।